अक्सर देखा होगा आपने प्रेगनेंसी के दौरान कई बार क्या होता है, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको कोई मीठा, कभी कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं उनके खान पान से रिलेटेड। ऐसा क्यों होता है कि उनको कभी मीठा पसंद होता है, कभी तीखा पसंद होता है, तो कभी बहुत ज़्यादा मतलब उनके मूड में चेंजिंग होती है, कभी उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो कभी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मतलब ये सारी क्यों होता है, क्या किस तरफ इशारा करता है, किस बात का संकेत होता है, तो आज की वीडियो में हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। आज की वीडियो में हम वो पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि हमारी न्यू व्यूवर्स हैं जो हमें कमेंट करके बताती हैं कि मैम इसका क्या मतलब हुआ। तो आज वैसे तो इन टॉपिक पे मैंने वीडियो कई और भी बनाए हैं, तो आप मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं, लेकिन जो मेरी न्यू व्यूवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का कमेंट करती हैं, तो आज इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कवर किए जाएंगे इन पॉइंट्स को, और आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो वीडियो पर अगर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ दिव्या हेल्पिंग गाइड में। सो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो गए और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आपकी जो खाने पीने की चीज़ों से होता है मन होता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर बात करते हैं, सबसे पहले कि आपको कभी क्या होता है, मीठा खाने का मन होता है बहुत ज़्यादा, तो कभी तीखा खाने का मन होता है, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए मेडिकल के हिसाब से ऐसा होता है, मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके शरीर के अंदर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है जैसे इन चीज़ों की, तो हमें वो चीज़ खाने का मन होता है, तो हमारी बॉडी उस चीज़ का संकेत करती है कि हमें ये चीज़ खाना है जिससे हमें पूर्ति होगी। लेकिन हमें क्या रहता है, प्रेगनेंसी के दौरान हमें ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जितना हो सके तो आप गुड़ का, लास्ट महीना अगर आपका चल रहा है तो आप जितना हो सके गुड़ का सेवन करिए। कहा जाता है कि गुड़ गर्म होता है, तो गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और शुरुआत में थोड़ा कम खाया जाता है लेकिन लास्ट महीने में आप खा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं, कहा जाता है मिर्च मसाले वाली चीज़ें कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों का अभी सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधित आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में जलन, बदहजमी, बार बार दस्त, मतलब कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ज़्यादा तीखे मसालेदार वाला खाना नहीं खाना है, नॉर्मली जो घर का हेल्दी खाना होता है वही खाना है, कम मसालेदार खाना खाना है, ठीक है। और ज़्यादा मीठा खाने से भी अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको शुगर की प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए ना ज़्यादा तीखा खाना चाहिए, ठीक है। तो तीखा मतलब अंदर से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं कि हमारा मन जो है बदल बदल के, हमारा मन चेंज होता रहता है कि हमें आज ये खाने का मन हो रहा है, हमें कुछ खट्टा खाने का मन हो रहा है, कुछ मीठा या कुछ तीखा, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी हमसे क्या चीज़ मांग रही है, ठीक है। तो आपको खास ख्याल रखना है कि हमें बॉडी हमें हमसे बहुत सारी चीज़ें मांगती है, ठीक है। कई मैंने नेक्स्ट वीडियो बताया था कि चौक या मिट्टी खाने का मन होता है, तो वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी हमें ये चीज़ें खाने का मन होता है, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें ऐसे जो चीज़ हमारे शरीर को ठीक लगती है हमें वही खाना है, ठीक है, हेल्दी खाना है। जितना हो सके घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, पेट भर के पानी पीजिए, मतलब भरपूर मात्रा में 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, जिससे कि आपको आपका बच्चा भी हेल्दी हो और आपकी प्रेगनेंसी भी एकदम हेल्दी हो, ठीक है। और कई बार मूड में चेंजिंग होती है, तो मूड में चेंजिंग इसी वजह से होती है क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है प्रेगनेंसी के दौरान, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, तो ये सिर्फ हमारे हार्मोन्स के ऊपर होता है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो अप डाउन होने की वजह से ऐसा होता है हमारे साथ में। तो ये चीज़ें इस तरह इशारा करती हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब गुस्सा नहीं करना है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है, अपना कुछ भी अच्छी मूवी देख सकते हैं। आपको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको माइंड को कंट्रोल में करिए, ज़्यादा गुस्सा करना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा रोना सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो बस आप अच्छे अच्छे भजन और बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, अच्छी मूवी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ही अपने आप
पे कंट्रोल करना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय एंड टेक केयर।